अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका का खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दो तरफा तावुन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। DGISI जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। मॉनसून का तीसरा स्पेल, सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। कराची के इलाके औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, कीमाड़ी, गुलशन हदीद, मलीर, लांढी, कोरंगी, शाहराय फैसल, सदर, डिफेंस में बादल झूम कर बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। अहम शाहराओं पर भी पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। शहर कायद में तूफानी बारिश कई जिंदगियां उजाड़ गई। औरंगी टाउन में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर माँ और तीन बच्चे जां बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा मकान में पानी भर जाने के बायस पेश आया। रावलपिंडी में 6 साल बच्चा नाले में गिर गया, लाश ना मिल सकी। दूसरी जानिब शक्करगढ़ के करीब गांव सकमाल में भी नवी जमात की तालबा सैलाबी रेले में बह गई। सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गढ़ी शाहू, डिफेंस समेत कई इलाकों में जल थल एक हो गया। बलूचिस्तान में भी मूनसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। कोहे सुलेमान, राडा हाशिम समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहेगा। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास। इमरान खान का मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुसल्ला अफवाज की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वुजरा और वुजराए आला की भी इजलास में शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कोरोना के खौफनाक वार जारी, एक ही दिन में मजीद 84 अफराद जां बहक। 4062 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बित केसेस की शरह 6.43% रही। सिंध और पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। NCOC का मॉडर्ना और साइनोफॉर्म वैक्सीन की पहली डोज रोकने का फैसला। चारों सूबों को मरासला अरसाल। मरासले के मुताबिक मॉडर्ना और साइनोफॉर्म वैक्सीन के बकिया स्टॉक को दूसरी खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। निजी स्कूल्स को अपना निसाब पढ़ाने से नहीं रोका, वजीर तालीम पंजाब ने वाजह कर दिया। मुराद रास कहते हैं, निजी स्कूल्स को उनके अपने निसाब पढ़ाने से नहीं रोका, सिर्फ ये कहा है कि निजी स्कूल्स जो निसाब पढ़ा रहे हैं उनकी NOC ले। निसाबी कुतब पर तस्वीर को मुतनाज़े ना बनाया जाए। तालीमी इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए वक्त लगेगा लेकिन नतायज अच्छे होंगे। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमर कस ली, तैयारियां शुरू। वजीर आजम ने मुल्क भर में पार्टी को मुतहर्रिक करने की हिदायत कर दी। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला और दीगर रहनुमा मुल्कगीर दौरे करेंगे। दौरों की इब्तदा जुनूबी पंजाब से की जाएगी। सेनेटर सैफुल्ला खान नियाजी 11 सितंबर को बहावल नगर जाएंगे। वजीर आला पंजाब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं साबिक हुकूमतें वादों पर जनूबी पंजाब के आवाम को बहलाती रहीं। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए। इमरान खान की क्यादत में तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को इंतजामी लिहाज से खुद मुख्तारी दी गई है। 17 महकमों को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का हिस्सा बनाया गया है। बलोचिस्तान में साहिल के करीब नया जजीरा उभर आया। हुकाम के मुताबिक कराची से 240 किलोमीटर दूर मकरान कोस्टल हाईवे पर कुंड मलीर का साहिल वाक़े है। समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। समंदर में जजीरे गहरे पानियों में जोग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं।
नूर मुकदम कत्ल केस, मुलजिम जाफर के वालिदैन समेत दीगर मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने तमाम मुलजिमों को 23 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी का वाकया, शनाख्त होने वाले 6 मुलजिमान लाहौर की जिला कचहरी में पेश। अदालत ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिमान को 11 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर खुराक और अदवियात भिजवाने का फैसला। C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने काबुल एयरपोर्ट पर इमदादी सामान मौसूल किया। सामान में आटा, घी, चीनी समेत मुतादी अशिया शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मजीद इमदाद जमीनी रास्ते से भी भिजवाई जाएगी। मुश्किल सूरत हाल में अफगान भाइयों की इमदाद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी भी बहरान में अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए किरदार अदा करें। सऊदी अरब का अवामी हिमायत से कायम होने वाली अफगान हुकूमत की हिमायत का इंदिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, अफगान अवाम जो रास्ता भी मुंतखिब करेंगे सऊदी अरब हिमायत करेगा। मुमलिकत की ख्वाहिश है तमाम अफगान फरीक अमन के तहफ्फुज के लिए काम करें। उम्मीद है उबूरी अफगान हुकूमत सही जहत में संगे मील साबित होगी। अफगानिस्तान के उबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखवंद की साबिक अफगान हुकाम से वापस आने की अपील। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मुल्ला हसन अखवंद ने कहा, अफगानिस्तान में खूनरेजी का दौर खत्म हो चुका, मुल्क की सलामती और हिफाजत को यकीनी बनाने की जमानत दी है। सफीरों, सिफारतखानों और इंसानी इमदाद की तंजीमों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। इस वक्त तालिबान रहनुमाओं को बड़े चैलेंजेस का सामना है। नई अफगान काबीना 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने वाले रोज हल्फ उठाएगी। रूस के अहदेदार भी शरीक होंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में मुजाहरों पर पाबंदी भी लगा दी। और तालिबान का अफगान खवातीन क्रिकेट टीम पर पाबंदी का फैसला। तालिबान रहनुमा अहमदुल्ला वकास कहते हैं, अफगानिस्तान में खवातीन के हर किस्म के खेल पर पाबंदी होगी। ICC का अफगान खवातीन के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी से मुतालिक बयान पर इजहार तशवीश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है, खवातीन को क्रिकेट खेलने की इजाजत ना मिलने से खेल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। खवातीन को खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।